नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो अपूर्व प्रथम हेडलाइंस ग्रीन रे चिटफंड स्काम मामला जलेश्वर सीबीआई रो 6 जणिया टीम रो चढ़ाऊ मुख्य परिचालकों दुई भाई गिरफ 2017 मुख्य परिचालक को गिरफ करितला सीबीआई कटक रु 2 केजी रु अधिक सुना जबत अमृतसर रु सुना अलंकार आनी बिना कागज पत्र रे चालुतला सुना व्यवसाय दुई जन को अटक रखी पचराउचरा तीन रथ में देखा देछि सामान्य फाट बलभद्र और सुभद्रा रथ चक्रे फाट जा महाप्रभु प्रभार रही फाट स्वतंत्र वैषयिक टीम द्वारा जांच पर चली मरामति काले राज्य में सरुचि आंशिक लॉकडाउन अवधि 25 जिले में कोहल हो पारे कटकणा 5 जिले में बलभद्र रही पारे गाइडलाइन आज दिन 2:30 रे मुख्य शासन सचिवों प्रेस राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु पुणी 66 मुंड नेला महामारी 24 घंटे 2110 पॉजिटिव ओडिशा रे आक्रांतों संख्या 9,47,869 वृद्धि 6 वर्ष रे स्किल इंडिया मिशन युववर्ग को संबोधित कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत आधार समारोह रे केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित परलाखेमुंडी अतिरिक्त वन सुरक्षा अधिकारी मृत्यु घटन नुआ मोड़ बापा इतला पर डीएफओ रोसेया और बोहुना मामला रुजु कला पुलिस केमिति है सौम्य रंजन मृत्यु चली खोलता राज्य में पीएम आवास में महादुर्नीति अभियोग पातर अंतर नीति विरोध में आज पश्चिम ओडिशा गर्जीब बीजेपी संबलपुर उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेरिला दल राज्यपाल उद्देश्य से दिजिव दावीपत्र कटक रे बेआईन सुना कारबार पर्दाफाश 2 केजी रु अधिक सुना जबत कटक कमिशनड पुलिस 2 केजी 29 ग्राम सुना जबत करिछे जहार अनुमानिक मूल्य 53 लाख टंका हेबो अमृतसर रु सुना अलंकार आनी कटक रे बिक्री करूथिले जीएसटी फांकी सुना व्यवसाय करूथिले बिना कागज पत्र रे कटक रे सुना व्यवसाय करूथिले कटक रा विभिन्न स्थान रे बिक्री करूथिले सुना दुई जण को अटक रखी पचराउचरा करूछि पुलिस आ संपूर्ण घटना को एबे अनुधान करुछि जीएसटी विभाग बड़ खबर जा सिल्वर सिटी कटक आसी पहुंची कटक रे बेआईन सुना कारबार पर्दाफाश होई 2 केजी रु अधिक सुना जबत करिछि कमिशन पुलिस 2 केजी 29 ग्राम सुना जबत होई जहार आनुमानिक बजार मूल्य 53 लाख टंका हेबो अमृतसर सुना अलंकार आनी कटक रे बिक्री करुथिले जीएसटी फांकी सुना व्यवसाय करुथबार संगीन अभियोग सामना को आसी बिना कागज पत्र रे चलीथिला व्यवसाय दुई जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुछि सेपटे संपूर्ण घटना को एबे अनुधान करुछि जीएसटी विभाग फास्ट विजुअल आम आप पहुंचाऊ कटक रु कमिशनड पुलिस 2 केजी रु अधिक ग्राम रो 2 केजी रु अधिक सुना अलंकार जबत करिछि जार आनुमानिक बजार मूल्य कहुची जे 53 लाख टंका हेबो खबर मिलता कि ये जेहेतु बहुत सुना बेपार हो कटक जिले में रेगुलरली बाहर रु लोक सुना इलिगली नहीं कि आसुचंती ताको बिक्री करुचंती जहाँ उपरे कि से माने प्रॉपर बिल भी दौना और जो टैक्स देवा कथा सेटा भी दौना तो ताऊपर आम तरफ गोटे नजर रखा जाइए खबर आमको आसला कि एमती ही जड़े व्यक्ति अमृतसर रु आसुची से रेगुलर एठी जीवा शिवा करे और अमृतसर से तारा सुना अलंकार नेकी एठी आसिकी बिक्री करूची खबर पाई कि मालगोदाम पुलिस ताको एप्रिहेंड कला ता पखरु हमको अराउंड 2 kg 29 ग्राम मिक्स्ड गोल्ड मिली जहाँ वैल्यू से डिक्लेयर करी अराउंड 53 लाख रुपीस और ता छड़ा 27,800 गोल्ड प्लेटेड पीसेस ऑफ ऑर्नामेंट हमको रिकवरी है पूरा डिटेल ताको पचराउचरा करा पले जाना पड़ेगा कि लोक रेगुलरली एटी आसे और ट्रेन रे ट्रेवल करुची टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन
आसिकी एठी सुना व्यापारी मानू बिक्री करी जिनस जाऊँ मेन इंटेंशन यार रोची कि ये जीएसटी जो देवा कथा इंटरस्टेट जीएसटी सेटा इवेड करूची सेटा पे करूनी। विश्वजीत दास हम प्रतिनिधि फोन लाइन अच्छा अधिक सूचना पाई विश्वजीत ये सुना स्मगलर पक्षर स्मगलिंग पक्षर पूरा कहानी कौन पुलिस के भली ब्लूप्रिंट तैयारी कर मानक पाखरे पहुंचला ए माने केते दिन धरी ए भली व्यापार चलाउथले पूरा खबर कोंतु तो अटक कमिशन पुलिस कोर्ट बड़ सफलता मिली जानते जो भाई सूचना दूसरे कटक डीसीपी की दुई जन व्यक्ति जी पंजाब अमृतसर रु बेआईन भाव सुना आनी कटक व्यवसाय करुले कटक विभिन्न स्थान में जो नया बजार कथ कहते चौधरी बजार कथ कहते सब स्थान रेगुलरली आने बिक्री करते बिना जीएसटी कागज बिना कागजपत्र बिक्री करते जार सूचना पाई कमिशन पुलिस और मालगोदाम थाना पुलिस एने तदंत आरंभ करता दुई जन को अटक रखे पचराजा कर अमृतसर दुई जन व्यक्ति छड़ा कटक जन व्यवसायी संपुक्त अच्छी अटक रखा पचराजा करुच्छ जार मूल्य रही पाखापा टेम्पर लक्ष टा बजार मूल्य रही पाखापाखी अलगा टू द कैरेट विशिष्ट रखे सुना गुड़िक रही से अमृतसर आणुते ट्रेन जोगे जीवनी जीएसटी फांकी हम से ट्रेन जोगे आणुते कौन प्रकार जीएसटी टिकस जो रोला अंतराज्य जो टिकस देवा कथा ता दौन एक फांकी से बिक्री करुते कटक जे संपुक्त अच्छे घटना पाखापाखि दुई के जी अंतीस ग्राम सुना जबत करी पुलिस पुलिस और जीएसटी विभाग एवं तदंत आरंभ कर जीएसटी विभाग जो कहला कि तीन लक्ष पाखा अठावन हजार टंकार जीएसटी फांकी टिकस फांकी से नहीं जरिमाना कर तीन लक्ष अठावन हजार टंका जरिमाना देते संपूर्ण घटना को जीएसटी विभाग तदंत करुच्छ जेहतु जीएसटी टिकस फांकी मैंने से जीएसटी विभाग तदंत कर कितु घटना टी जहां आम पचारूँ कटक डीसी सर कि रेगुलाली से आणुते कटक विभिन्न स्थान बिक्री करते आउ कौन संपुक्त अच्छा से केवे सब काम करुते तो विश्वजीत प्रथम थर पर व्यवसाय करते दिन धरे व्यवसाय चली था केवल दुईज ही संपुक्त ना ये आउ कह हाथ रही प्रच्छद पटे आउ किए रही दिगक नहीं पुलिस तदंत आगौर निश्चित भाव में देखो घटना कटक ये प्रथम घटना कही पार्बा कि पूर्व आटक बिक्री करते पुलिस पाखे खबर नाला जो एवं खबर पाला पुलिस निश्चित भाव में सेना अटक रखी से जो सुना गुड़िक जबत करी कागजपत्र पाखे ना सब एवं जीएसटी फांकीबार अभोग आेणु कटक कमिशन पुलिस और जीएसटी विभाग संपूर्ण घटना तो तदंत कर आउ गोटे बड़ कथा होती कि संपुक्त अच्छा निश्चित अमृतसर पंजाब रु आने जी जन निश्चित भाव में कटक किसी लोक विशेष संपुक्त थे जो जो दोकानी मैंने नौते हैं संपुक्त थे से तदंत परिसरभुक्त करईज केवल ट्रेन आणुते ना आउ कौ मैंने आणुते नहीं तदंत कर कारण देखो दीर्घ दिन है आणुते कटक को संपूर्ण भाव में रेगुलरली बिक्री करते भाव में कौटना कौटी पुलिस यह सब दिग्गर तदंत कर संपुक्त अच्छा कटक आउ कौ व्यवसाय संपुक्त से तदंत आरंभ कर बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास तुम कटक प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते जे कटक रु दुई के जी अधिक परिमाण सुना जबत करी कमिशनरेट पुलिस से दुई जना व्यवसायी को मध्य गिरफ करी जे माने कि बिना कागजपत्र व्यवसाय करुते जो सुना अलंकार जबत होता अमृतसर आसूला एवं जीएसटी फांकीपी टैक्स नदे ट्रेन में सुना आसूला जहाँ पुलिस जबत करने सहित दुई जन को गिरफ्त कर परिमाण सुना जबत कर तार बजार आनुमानिक मूल्य प्राय 53 लाख टंका हेबो आपण देखुछन अर्गस अपडेट ब्रेक रे समय ब्रेकफास्ट स्वागत। राज्य में पीएम आवास रे महादुर्नीति अभियोग पात्र अंतर नीति विरोध में पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी गर्जना संबलपुर उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेराउ राज्यपाल उद्देश्य रे दाबी पत्र दिया तबे किछि दिन तले केन्द्रीय टीम रा रिपोर्ट स्पष्ट होइतिला जे राज्य रे केमिति चलिछि आवास योजना रिपोर्ट आधार रे आवास योजना रे प्राय 1000 कोटी टंका घोटाला कथा सामना को आनीतिला बीजेपी खास करी आवास दुर्नीति रा तदंत करबा को आसीतिबा केन्द्रीय टीम रा तदंत ओ दस्तावेज आवास दुर्नीति रा महालुट उपरु परदा हटाइछि आ पदारे पड़िछि राज्य सरकार को पक्का घर बाहस्फोट रोगमर मलय भैया प्रतिनिधि अच्छा संबलपुर सीधासलख नहीं चलु मलय बीजेपी आज केउटना केउटी पदा को ओल्लाई राज्य सरकार को घेरी तृणमूल स्तर आज जो मीटिंग रही जो प्रतिवाद विक्षोभ कर तरिका कौन रही
ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମହାଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଦାବି ପତ୍ର ଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ବି ଘର ମିଳିନଥିଲା। ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସାଂସଦ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତମାମ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପ୍ରିୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ କୁସୁମ ଟିଟି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଘଟିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ଦେବା କଥା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ ଚୟନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣହିତାଧିକାରୀ ବା ଶାସକ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣ କରିଛି ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଘେରା କରିଛି, ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଆରଡିସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତମାମ ବିଜେପି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏହା ପର୍ବ ସମୟରେ ଏଠି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆରଡିସିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେ ଘର ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବା କଥା, ସେହା ଭିତରୁ ଅନେକ ଘର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିଥିଲା ପାଖାପାଖି 800,000 କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରାଯାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସରକାର କେତେ ତତ୍ପରତା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଗର୍ଜନ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖାଉଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ତମାମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ସାଂସଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଧାୟକ, ଦଳର ସ୍ଥଳସ୍ତରର କର୍ମୀ ନେତା ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାତର ଅନ୍ତର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଭୋଇ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସିବିଆଇର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ମୀର ଜମିର ଓ ମୀର ସୈମତ ଓରଫ କାଲୋକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ପୂର୍ବରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ 2017 କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମୀର ସହିରୁଦ୍ଦିନ ଓରଫ ଗୋରାକୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାରା ଦେଶରେ 2000 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗିରଫ କରିଦିଆ। ମୀର ସୈମତ ମୀର ଜମିର ଉଦ୍ଦିନ ସାରା ସିଜ୍ ହୋଇ ଚୁକା ହେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସିଲ୍ ହୋ ଚୁକା ହେ।
ईडी ने आदमी उनका संपत्ति को जो कब्जा कर कब्जा करके रखे हैं, ये आपके एनएच के सामने है, कंपनी स्कूल है, कुछ आदमी उनका प्रॉपर्टी को सीज करके रखे हैं, बट है ईडी अटैच कर रहा है, ईडी करता है, तो ईडी अटैच करा, ईडी का काम है वो करेगा अटैच। भुवनेश्वर बहुचर्चित भीमटांगी प्रियंका साहू हत्याकांड घटना, अभियुक्त जगन्नाथ प्रधान रहेबो ऑपरेशन, हाथर भेन कटि जाइथिबारु ऑपरेशन कराजिबो, जगन्नाथ एवं कैपिटल हॉस्पिटल ले चिकित्सित होउछे। गत 5 तारीख रे प्रियंका को हत्या करबा परे जगन्नाथ प्रधान आत्महत्या उद्यम करथिला। एडमिशन कला बेले तांकर अवस्था तो बहुत खराब थिला, से निशाशक्त होना बहुत बिड़बिड़ होते, एबे किंतु से खाइबा पीवा तांकर पूरा पूरी ठीक ठाक, कथाबार्ता भी बहुत ठीक ठाक, अल्प किसी मेडिसिन द्वारा से अच्छा तांकर एंटीबायोटिक दिया होछि, किंतु तांकर से जो हाथ से निजे ब्लेड रे काटी देथिले सेटा टिके माइनर टिके किछ गोटे टेंडन टिके आघात होइछि, जेहेतु एटा फुला अछि एवं तांकर जनरल कंडीशन भल नथिला, सेटा गोटे छोट ऑपरेशन भी हवा पे डॉक्टर को कहाइछि। तीन रथरे सामान्य फाट, बलभद्रंक तालध्वज रथ और देवी सुभद्रांक दर्पदलन रथर गोटे लेखाएं चक्रे सामान्य फाट रही, से भी महाप्रभुक नंदीघोष रथर प्रभार रही फाट। आसंता 17 तारीख में तीन रथर दक्षिणी मोड़ करा यहाँ को दृष्टि रखे स्वतंत्र वैषयिक टीम द्वारा तीन रथर जांच कर जांच बेले सामान्य फाट थी जमापड़ी एवं फाट को मरामती कर 10 महाराणा 6 जन भोई सेवक और 3 जन कमार सेवक मरामती कर पूर्वतट रेलवायर टेक्निकल टीम क्षतिग्रस्त अंश को जक लगाई टेकी धरवा जो मरामती सहज हो सारी। काल सरुची आंशिक लॉकडाउन, एवं समस्त मनरे प्रश्न अनलॉक हेबो कि 25 जिला, अन्य 5 जिले में किभली रहिबो नुआ गाइडलाइन ताऊपर मध्य नजर रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी तेरे खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पुरीर स्थिति एवं भी चिंताजनक, कटक और खोर्धारे संक्रमण कमुन सरकार फोकस रही दुईट जिला, से भले बालेश्वर और मयूरभंज में पॉजिटिविटी रेट अधिक रोथवर यह दुई जिले बलवत्र रहीपे कटक। एभली स्थित राज्य में कौन हो पारे अनलॉक नुआ फर्मूला निष्पत्ति उपरे पूरा राज्यवासी नजर, आज दिन 2:30 रे मुख्य शासन सचिव एने प्रेस मीट करेंगे, तेरे कटकणा कोहल हेबो ना पूर्व भली पॉजिटिविटी रेट आधार रे ए बी फर्मूला अपनाई परंती राज्य सरकार। 5 जिले में बलवत्र रहीपे कटकणा, जुलाई 16 रे सरुछि आंशिक लॉकडाउन, यहाँ नजर रखि आसंता काली परवर्ती पदक्षेप संपर्क संपर्क में घोषणा करिपरंती सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी भी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पूरी स्थिति एवं भी चिंताजनक रही। राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु, पुणी 66 मुंड नहीं महामारी, यहस गत 24 घंटा मध्य राज्य में 2,110 जन कोरोना पॉजिटिव पजिट चिन्हट होती, एम 1,213 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 897 जन पजिट चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक आक्रांत 458 जन रही, गत 24 घंटा मध्य कटकु 323, बालेश्वर 168, भद्रकु 79, केन्द्रापड़ 132, केन्दुझर 66, मयूरभंज 99, नयगढ़ 74, सुंदरगढ़ 62 और स्टेट पुल 87 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। राज्य में मोट 9,39,752 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 9,47,869 जन सुस्थ होती। राज्य में एवं भी 22,269 जन सक्रिय संक्रमित रही। आशा परवर्त खबर को देशर युववर्ग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधन, स्किल इंडिया मिशन 6 वर्ष स्मृतिचारण उद्देश्य से एक समारोह आयोजन होवसर युववर्ग को प्रधानमंत्री संबोधित करते कौशल विकास देशर युवकों पर जरूरी,
ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଆଧାର। କୌଶଳ ବିକାଶ ଦେଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କିଲ୍ର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ସାରା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କିଲ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯିଏ କୁଶଳୀ ହେବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। हमारे देश में हर स्किल हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशु यज्ञशु गृह आराम विधायके सर्व कर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्। अर्थात विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई और यज्ञ कार्य, सामाजिक कार्य हो, इसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान, स्किल का सम्मान। लकड़ी के कारीगर, मेटल्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। महाभारत के भी एक श्लोक में कहा गया है, विश्वकर्मा नमस्तेस्तु, विश्वात्मा विश्व संभव। अर्थात जिनके कारण विश्व में सब कुछ संभव होता है उस विश्वकर्मा को नमस्कार है। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଣପଣା ସୋସାଇଟିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣା। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସୋସାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବାପାଙ୍କ ଇତଲା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେୟା ଓ ବୋହୂ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେୟା ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଳିମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରାତି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଉଥିଲେ। ଫୋନ୍ କରି ସୌମ୍ୟ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରୋଷେୟା ଗାର୍ଡ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୁହଁ ଚୁଟି ଅଛି, ମୁହଁ ଆଉ ଦେହ ହାତ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଗାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଫରେଷ୍ଟର ନା ଡିଏଫ୍ଓ, ଏମାନେ ମିଶିକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ସେଠି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ସେଠି ଯେତିକି ଜଣ ଖାଉଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବା ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କେମିତି ଆଡ଼ା ଜମେଇବା, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ।
सेपटे सौम्यरंजन निआरे पोड़ी होइनांती बरम तांकु पोड़ी दिया जाइथवा अभियोग करिछन्ती सौम्यंक बापा। घटनारे सौम्यंक सरकारी बासभवन में कार्य करुथिबा रोसेया गजपति डीएफओ एवं सौम्यंक स्त्री विद्या भारतीक नारे थाना मामला दायर पर तदंत आरंभ करिछि पुलिस। दुईहजार एकुश अंडर सेक्शन 302 बी आईपीसी बर्तन तदंत चालू रही तदंत पर बर्तन केस डीएफओ नाँ रोसेया स्त्री समस्त रखु। नमस्कार।